परिवहन विभाग से एक और बड़ी खबर है। आज से परिवहन विभाग शुरू करेगा विशेष अभियान। 17 नवंबर तक चलेगा विशेष प्रवर्तन अभियान। अभियान में एमवी एक्ट की अवहेलना करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। हर घंटे में फोटो समेत परिवहन मुख्यालय को रिपोर्ट भेजनी होगी। आरटीओ और डीटीओ को भी फील्ड में जाने के आदेश। तो आरटीओ और डीटीओ को फील्ड में जाना होगा, रिपोर्ट भेजनी होगी परिवहन मुख्यालय को हर घंटे में, और ये रिपोर्ट जिसमें फोटो भी होनी चाहिए। अभियान में एमवी एक्ट की अवहेलना करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज से शुरू होगा विशेष अभियान जो कि 17 नवंबर तक चलेगा, यानी कि दो दिन ये विशेष अभियान प्रमुख तौर पर शुरुआती चरण में शुरू किया गया है विशेष अभियान। अब आगे भी क्या इस अभियान को जारी रखा जाएगा इसकी सफलता को देखते हुए इस पर फैसला और विचार विमर्श होगा। लेकिन बता दें कि एमवी एक्ट की अवहेलना करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। हर घंटे में परिवहन मुख्यालय को रिपोर्ट भेजनी होगी, रिपोर्ट में जानकारी देनी होगी। हमारे साथ डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार जुड़े हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। शिवेंद्र, परिवहन विभाग से जुड़ा एक विशेष अभियान चर्चाओं में, बताइएगा विशेष अभियान के दौरान क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी जो कि एक्ट का उल्लंघन करेंगे उन पर? देखिए, आज से जो अभियान है वो शुरू होगा परिवहन सचिव सुशील त्यागी के निर्देशों के बाद, और जो मोटर व्हीकल एक्ट है उन एक्टों का उल्लंघन करके जितने भी वाहन संचालित हो रहे हैं, चाहे वो यात्री वाहन है, चाहे वो लोगों के निजी वाहन है, और खासकर जो ओवरलोड व्हीकल है उन पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि हर घंटे की रिपोर्ट परिवहन मुख्यालय ने मांगी है जी। एक घंटे में हर आरटीओ डीटीओ को बताना होगा कि उनके यहाँ क्या कार्रवाई हुई, कितने चालान बने, इसका फॉर्मेट भी मुख्यालय ने भिजवाया है जी। और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं जी। क्योंकि आज छुट्टी है सरकारी, गुरु नानक जयंती है, कल परसों का वीकेंड है जी। तो वीकेंड पे ज्यादातर जो लोग होते हैं वो मुख्यालय छोड़ देते हैं जी। तो ये चुनौती है परिवहन विभाग के सामने के इन निर्देशों की पालना कैसे होगी और कितने चालान इस विशेष अभियान के तहत बनेंगे, क्योंकि ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि प्रदेश में इस समय भी ओवरलोड वाहनों के संचालन की भरमार है। हर इलाके में ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, लेकिन जितनी प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई होनी चाहिए परिवहन विभाग की ओर से उतनी प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई नहीं हो रही जी। ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।